हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आमले की चटनी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आमले की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आमला लिया है, 6 से 7 हरी मिर्च और नमक। अब हम एक बाउल में आमले को काट लेंगे। आमले को काटने से पहले मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है। इस तरीके से हम इसको काटेंगे और इसके अंदर का जो बीज होता है उसे हम साइड कर देंगे। आंवला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर इंसान आंवला कच्चा नहीं खाता है, तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रेसिपी है, ऑप्शन है कि आप आंवले की चटनी बना के खाओ। और आंवले की चटनी बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। इस तरीके से देखिए, आंवला काट लिया और बीज मैंने साइड में रख दिए। बीज को हमें नहीं पीसना है। आंवले को आप रफली काटिए क्योंकि हमें फाइनली इसे मिक्सी में पीसना ही है। ये देखिए, आंवला मैंने सारा काट लिया हुआ है और बीज मैंने इसके साइड कर दिए। अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे, लेकिन उससे पहले हमें काटनी है हरी मिर्च इसी में। तो मैं यहाँ पे 6 हरी मिर्च काट रही हूँ। अब हम मिक्सी जार में इस आंवले और हरी मिर्च को एक साथ ही डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि आमले को बिना पानी के पीसना मुश्किल होता है। पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डालें, जितनी ज़रूरत हो। अब ढक्कन को बंद करेंगे और बटन को ऑन करके हम मिक्सी चलाएंगे। चेक कर लेते हैं, आमला हमारा थोड़ा पीसा है लेकिन अभी काफ़ी बचा हुआ है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। करीबन मैंने यहाँ 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। वापस से ढक्कन लगाएंगे और मिक्सी को ऑन करेंगे। बंद करके ढक्कन खोल के हम चेक करते हैं। ये देखिए, सब्जी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। बस इतनी ही हमें पीसनी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस चटनी को घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये चटनी आपको खाने में कैसी लगी। इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। लीजिए, चटनी रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।